हेलो माय डियर फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू आइडिया किसी भी काज पर आपका स्वागत करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर हैं फटाफट से लाइक कीजिए और हमारे द्वारा अपलोड किए तो बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला टॉपिक है हमारा फॉर कंक्रीट वॉल्यूम कैलकुलेशन। जब दोस्तों हम कंक्रीट की वॉल्यूम के कैलकुलेशन करते हैं तो इसमें तीन चीज़ों का मेन ध्यान रखते हैं। पहला होता है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, नो डिडक्शन इज मेट फॉर द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द रिइंफोर्समेंट। यानी आरसीसी कंक्रीटिंग वर्क में दोस्तों जब कंक्रीट का वॉल्यूम ज्ञात करते हैं तो उसमें सरिये का वॉल्यूम नहीं घटाया जाता। दूसरा है दोस्तों, कोई भी अगर जो कंक्रीटिंग कार्य में ओपनिंग एरिया है जिसका क्षेत्रफल 0.1 स्क्वायर मीटर से कम है तो उसके लिए वैल्यूम में से कोई डिडक्शन नहीं करेंगे। तो नो डिडक्शन इज मेड फॉर दी ओपनिंग अप टू 0.1 स्क्वायर मीटर। तीसरा मुख्य बात है दोस्तों, नो डिडक्शन इज मेड फॉर वैल्यूम ऑक्यूपाइड बाई पाइप्स नॉट एक्सीडिंग 100 स्क्वायर सेंटीमीटर इन क्रॉस सेक्शन एरिया। दोस्तों जब कंक्रीटिंग कार्य करते हैं तो कभी कभी उसमें पाइप डालने की भी आवश्यकता पड़ जाती है, जैसे वाटर पाइप वगैरह वगैरह। तो उसका क्रॉस सेक्शन दोस्तों अगर जो 100 स्क्वायर सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो उसमें वॉल्यूम में कोई डिडक्शन नहीं करेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये एक क्वेश्चन सर्वे से रिलेटिव है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है दोस्तों। तो चेक लाइन को दोस्तों जांच रेखा भी बोलते हैं या प्रूफ लाइंस इन चैन सर्वेइंग्स आर एसेंशियली रिक्वायर्ड टू इंडिकेट द एक्यूरेसी ऑफ सर्वे वर्क। दोस्तों जांच रेखा जो होती है सर्वेक्षण में, इसलिए उसकी आवश्यकता पड़ती है जो सर्वे लाइन की शुद्धता जांच करने के लिए चेक लाइन डाला जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, द हाइट ऑफ द सिंक वॉश बेसिन अबव फ्लोर लेवल इज केप्ट 75-80 सेंटीमीटर। दोस्तों वॉश बेसिन की जो ऊंचाई होती है फ्लोर से 75-80 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे रखा जाता है। दोस्तों इसकी साइज होती है 63x45 सेंटीमीटर। दूसरा होता है दोस्तों 55x40 सेंटीमीटर। ये दो साइज की वॉश बेसिन हमारी मार्केट में उपलब्ध होती हैं दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों सीमेंट का निर्दोषता परीक्षण यानी सीमेंट का साउंडनेस टेस्ट। जो सीमेंट का साउंडनेस टेस्ट करते हैं दोस्तों ओल्ली चेटलियर उपकरण के द्वारा करते हैं। दोस्तों सीमेंट का साउंडनेस टेस्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि उसमें मैग्नीशिया और फ्री लाइम होते हैं दोस्तों, जो कंक्रीटिंग के बाद बरसात की सीजन में उसमें सफ़ेद रंग के फफोले पड़ जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सीमेंट में फ्री लाइम ज्ञात करने के लिए ली चेटलियर उपकरण का यूज किया जाता है, जबकि ऑटोक्लेव उपकरण का प्रयोग दोस्तों मैग्नीशिया की उपस्थिति तथा फ्री लाइम दोनों के ज्ञात करने के लिए किया जा सकता है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की तरफ। प्लाईवुड दोस्तों कई विनियर या प्लाई को एक दूसरे के साथ 90 अंश पर जोड़ के बनाया जाता है। दोस्तों सामान्यतः प्लाई की जो विषम संख्या होती है दोस्तों 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे होते हैं दोस्तों, और ज़्यादातर नॉर्मली 3 और 5 नंबर की प्लाईवुड ज़्यादा यूज में किया जाता है। इसकी मिनिमम मोटाई थिकनेस होती है 6 mm दोस्तों, और इसको सरेस के साथ एक दूसरे के ऊपर जोड़ा जाता है दोस्तों। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।